नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। G20 सम्मेलन यानी कि कल से G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद है पंतनगर एयरपोर्ट के बाहर से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ विशेष प्रकार के फूलों द्वारा पूरे पंतनगर एयरपोर्ट के बाहर से जो हाईवे है, उस हाईवे के बीच में विशेष प्रकार के फूल से पूरा पंतनगर एयरपोर्ट को सजा दिया गया है। क्योंकि अगर आपको बता दें, G20 सम्मेलन में 20 विदेशी मेहमानों का कल यहां स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार देहरादून से मॉनिटरिंग करी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार जिस तरह से तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर, युद्ध स्तर पर आप तैयारी देख सकते हैं। किस तरीके से, मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि दिखाए। ये पंतनगर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है जो न्यूज 31 उत्तराखंड के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है, जहां G20 सम्मेलन के 20 देशों से आए मेहमानों का इसी एयरपोर्ट के बाहर से स्वागत किया जाएगा। तमाम जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को इन दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से सजाया गया है। क्योंकि विदेशी जो मेहमान है, कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षण करने का यह केंद्र विदेशी जो यहाँ पेंटिंग करी गई है, पूरी तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर इस पेंटिंग को पूरी तरीके से दीवारों पर सजाया गया। आपको बता दें, G20 सम्मेलन में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसका चयन G20 सम्मेलन में हुआ है, जहाँ 20 विदेशी मेहमानों का यहाँ स्वागत किया जाएगा। खुद यहाँ तमाम पुलिस प्रशासन भारी तैनाती के साथ उनका के स्वागत में यहाँ तैनात रहेगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कई विदेशों से आए हुए वैज्ञानिक और सलाहकारों द्वारा रामनगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है। देख सकते हैं ये पंतनगर एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अभी भी लगातार जो सजने संवरने का जो काम है, वो लगातार अभी किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से विदेशी 20 देशों के विदेशी मेहमान उत्तराखंड की धरोहर पर उनका आगमन होगा, और जिस तरीके से तमाम यहाँ तैयारियाँ पूरी जोरों शोरों पर है। अगर हम उस तरफ की बात करें, यहाँ तमाम देख सकते हैं, मैं फिर कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए किस तरह से यहाँ जो तमाम जो फ्लेक्सी के माध्यम से जो उत्तराखंड के जो मंदिर है, जो उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो ऐसे में तमाम जो सड़क के किनारे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ, अगर हम हरिद्वार जो तीर्थ स्थल हरिद्वार की बात करें, चाहे हम जो बैजनाथ टेम्पल है बागेश्वर में उसकी बात करें, तो हर प्रकार के यहाँ फ्लेक्सी के माध्यम से इन सड़कों के किनारे इन को सजाया गया है। देख सकते हैं किसी विशेष प्रकार के फूलों को भी यहाँ पूरी तरीके से सजा दिया गया है। तमाम अगर हम बात करें, कल विदेशी मेहमान यानी कि 20 देशों के जो वैज्ञानिक है, जो सलाहकार है, वो उत्तराखंड की धरातल पर उतरेंगे, और यहाँ से तमाम जो लोग हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, वो यहाँ से बाय रूट रामनगर के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात है कि कल जब विदेशी मेहमान इस उत्तराखंड पंतनगर एयरपोर्ट पर आगमन करेंगे, तो किस तरीके का सौंदर्य दिखाई देता है। राकेश जोशी, न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ पंत